गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम मुकेश सर, स्टर्लिंग स्कूल बनावा जौनपुर। बच्चों आज मैं एलकेजी का हिंदी आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ये एलकेजी का हिंदी, जैसा कि मेरा पिछला वीडियो आप लोग ने देखा था कि मैंने स्वर के विषय में आप लोग को बताया था, स्वर के विषय में आप लोग को बताया था अ से अहां तक के जितने भी वर्ड आते हैं, अ से अहां तक के जितने भी वर्ड आते हैं वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और अ से अहां तक में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। इसको हिंदी में हम 13 भी बोल सकते हैं, 13 स्वर होते हैं। ये 13 स्वर हिंदी में होते हैं अ से लेके अहां तक। तो पिछला जो मैं आप लोग को बताया था कि हिंदी में हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, जैसे यहां पर मैं लिखा था ये क्या हो गया आ, ये क्या हो गया छोटी, ये क्या हो गया बड़ी। तो इस तरह से मैंने आप लोग को समझाया था। तो आज मैं एक और आसान तरीका आप लोग को बताने जा रहा हूं। ये भी बहुत आसान तरीका है आप लोग को समझने के लिए, आप इससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे यहां पर आज मैं दे दिया हूं अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, ऋषे ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, औसे औरत, अंसे अंगूर। तो यहाँ पर पूरी तरह से मैं आप लोग को बताया हूँ। ये भी बहुत आसान तरीका है आप लोग को समझने के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। और एक आसान तरीका मैं आप लोग को समझाया हूँ, ये आप लोग बड़े आसानी से सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।